और यही चीज़ हमें अच्छी लगती है इस सारे गार्डन में, यानी जब हम वॉक करते हैं। ये देखिए, आज मेरी निकी जो है मेरे साथ ऊपर आई थी, और आज बस वो कामयाब हो गई। वो जो हमिंग बर्ड जाती हैं ना, उनमें से एक को पकड़ के ले गई है वो नीचे, और बस अब खा रही होगी उसको। आज जब मैं गार्डन में आई तो मेरी जो नज़र है ना, वो अपने बुगनवेलिया पर गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्लूमिंग कर रहा है ये। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी की केयर के बारे में, और इसी के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह गुच्छों में इसके ऊपर हो रही है फ्लावरिंग, और आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी जो हाइट है ना वो मेंटेन रखी हुई है। ये देखें, ये तकरीबन मेरी जो क्यारी है ना उससे थोड़ा सा ही ऊपर इसको मैंने जाने दिया है, और ये इसका साइज़ जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये वाली जो है ये थोड़ी सी ऊंची जा रही है। ये देखिए, मैं इनको ऊंचा इसलिए जाने नहीं देती क्योंकि मेरा जो है ये इलाका खुला है, मतलब ये कि यहाँ पर जब हवा चलती है ना तो बस फिर ये गिर जाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे इसके अंदर काम करना पड़ता था, तो फिर मैं इसको जो है ना नीचे ही रखती हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकूँ और मुझे कोई मसला ना हो इसका। और इसकी बेस में जो है आप देख सकते हैं कि मैंने लगाया हुआ है एलोवेरा। ये देखें कितना सारा एलोवेरा इधर लगा हुआ है इसकी बेस के अंदर, जिससे इसको मल्चिंग मिलती रहती है। मतलब ये कि धूप जो है वो इसकी बेस में ज़्यादा नहीं जाती। और इसके अंदर मैं दिखाऊँ आपको अगर, तो कितने सारे पत्ते, कितना सारा कुछ, ये देखें मल्चिंग हुई हुई है उसकी, और क्या कहते हैं पत्तों की। और इसको जो है नाइट्रोजन रिच जो खुराक चाहिए होती है इसको ब्लूमिंग के लिए भी और उस तरह भी, तो इसको आप देख सकते हैं कि देखिए कितने ज़बरदस्त गुच्छों में इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो जब इसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही थी, जब मतलब ये कि सर्दी में इसके सारे फूल जो है वो झड़ गए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी बहुत जो है ना हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ से मैंने इसको काटा था। तो अब ये देखें आप, इसके अंदर से कितनी सारी जो है वो मल्टीपल जो है वो शाखें निकली, एक दो और ये तीन, ये देखें ठीक है। तो इसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह से प्रून कर दिया था ताकि जो है वो जब फ्लावरिंग का मौसम आए तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो आप देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर पत्ते कम हैं और फूल बहुत ज़्यादा, ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी ये लगती है ना लुक। जब मैं एंटर होती हूँ ना अपने गार्डन में तो मुझे सबसे पहले यही नज़र आती है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसके ऊपर फूल अगर ना आए आपकी बेल के ऊपर तो आपने इसको पानी नहीं देना, बस पानी जब नहीं मिलेगा तो फिर ये स्ट्रेस में आएगी, स्ट्रेस के बाद ये फिर अपने जो है वो फूल जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अव्वल तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि इसको आप बस लगा दें और फिर भूल जाएं, फिर ये आपके गार्डन के अंदर हमेशा रहेगी और इसको कोई मसला भी नहीं होगा, कोई इंसेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर नहीं लगते, कुछ भी मसला नहीं होता इसको। ये देखें किस तरह बंच में इसके जो है वो फूल खिल रहे हैं। इसके जो अंदर होता है असल ये फूल होता है इसका, ये वाला ये फूल है, और ये जो साइड्स पे है ना पिंक कलर के, इसको ब्रैकेट्स कहते हैं इसके। ये देखें स्ट्रक्चर, देखें अंदर से कितना खूबसूरत है इसका। ये दोनों मेरे पास पिंक कलर के अंदर ही हैं, लाइट पिंक और डार्क पिंक हो जाता है कभी कभी इसका। इसके अंदर जो है शेड है ये वाली बेल के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा टिंट जो है ना ऑरेंज कलर का है। जब इसके फूल छोटे होते हैं तो देखें ये ऑरेंज कलर के होते हैं, और ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनका कलर ये वाला बन जाता है। देखें बहुत प्यारा सा प्लांट है ये, देखें इसको क्यारी में लगाएं या गमलों में लगाएं, बड़े आराम से इसकी जो है वो फ्लावरिंग होती रहेगी, और ये शो आपके गार्डन को देता रहेगा। देखिए ये देखें, बगैर किसी मेहनत के आप अच्छा सा एक प्लांट जो हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपने आपको गार्डनिंग का शौक़ है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो बस फिर आप जो है बुगनवेलिया को लगाइए और बस भूल जाइए, बस फिर आप इसके फूल ही फूल देखेंगे। मतलब ये कि आपको कोई किसी किस्म की मसला नहीं होगा और आपके गार्डन के अंदर आपको फूल भी नज़र आते रहेंगे। ये देखें जनाब, गला आजकल मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, रोज़े हैं
तो रोज़ों की वजह से ना कुछ खा लेते हैं तो बस फिर गला जो है वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी चेंज हुई हुई है। इसके अलावा गार्डन में बहुत अच्छा अच्छा सा सारा कुछ हो रहा है, और बीज जो हैं इकट्ठे कर रही हूँ मैं। और मैंने कैलेंडुला के कल किए थे, तो कल मैंने यहाँ से देखा था ये जो सिनरेरिया है इसके ऊपर भी बीज आना शुरू हो गए हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये इसका सीड पॉड है, और ये देखें बिल्कुल तैयार है। अगर हमने इसको ना उतारा तो फिर क्या होगा कि हवा से जो है ये उड़ जाएंगे इसके बीज। तो चलें अब इसको कलेक्ट करते हैं, बीजों को। ये देखिए कैसे इसको बस आपने सिंपल ऐसे उतारना है। ये देखिए, ये हमारे पास आ गए बीज सिनरेरिया के। ये देखें कितने सारे बीज हैं, देखा है ना कितने सारे बीज हैं सिर्फ एक उसके ऊपर से सीड पॉड में से। ये जो इसके अंदर आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये इसका सीड है। और ये जो ऊपर इसके ये है ना, ये बाल बाल से, बस ये इसको सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं कि ये हवा के ज़रिए उड़ सकें, इधर उधर फिर सकें, ताकि नए नए फूल और पौधे निकलते रहें। इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है। ये देखें माशाल्लाह। चलें भाई, इसको हम जो है वो अपने किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, और इसको फिर हम अगले साल अपने ही घर के बीजों से उगाएंगे। तो और कौन कौन से बीज तैयार हो रहे हैं वो भी देखते हैं। और अब मैं देख रही हूँ गजानिया को। गजानिया में भी ये देखें मैंने इसको हाथ लगाया तो ये सारे बीज जो है निकल रहे हैं। ये देखें, इसको हमने केयरफुली ऐसे जो है वो ऐसे कलेक्ट कर लेना है। ये देखें, देखा कितने सारे बीज हैं। ये देखें, और ये मैं प्लेट लेके आई हूँ, इसके अंदर मैंने इनको ऐसे रख देना है। ये देखें, ये सिनरेरिया और ये गजानिया, ठीक है। और एक ये है, ये भी गजानिया का है। ये देखें, ये भी, इसको भी इधर रख दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और देखा था, और इसके बाद ये जो है ना, ये वाला जो इसकी डंडी है, इसको आपने ऐसे कट कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो फूल हमारे हैं ना, इनके ऊपर एनर्जी जो है वो लगती रहे इसकी। और एक देखें ये वाला है, इसको भी हम ऐसे करके नाखून की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें कितने सारे, इसको इधर रखेंगे। उसके अलावा एक ये भी है, ये देखें, ये हमने नहीं उतारा तो ये सारा गिर गया यहीं पे उतर के। इसकी जो हमने ये डंडियां हैं इनको तोड़ देना है ऐसे, ठीक है जी। अब देखते हैं और क्या क्या है। इसके अलावा ये जो है एनुअल क्रिसेंथिमम, इसके बीज भी जो हैं ये देखें, फूल के बाद ये स्पेंट हो गया, और अब ये इसके हैं बीज, इनको हमने इस तरह से उतार लिया। ये है, ये वाला अभी कच्चा था, चलें कोई बात नहीं। और ये वाला, ये देखें ये वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इसके अंदर तो बीज, ये देखें, इनको हमने इस साइड पे उतारना है, एक साइड पे, ये देखें इधर, ठीक है। और भी मैं देख लेती हूँ, देखें ये देखें, ये मैंने हाथ लगाया और साथ ही उतर के मेरे हाथ में आ गया। ये देखें, अगर हम इन्हें नहीं ना उतारेंगे तो फिर ये ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, हवा चलेगी ना तो ये इधर उधर बिखर जाएंगे, और हमें फिर जो है ना, हमारे बीज ज़ाया हो जाएंगे। ये देखें, और ये देखें, ये देखें कितना सा, और ये इसके ऊपर से कोई एक बीज नहीं उतरेगा, इसके ऊपर पता नहीं कितने हज़ारों बीज हमें मिलेंगे इससे, ठीक है। एक पौधे में से हमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में बीज हासिल होंगे। ये देखें, और ये देखें, चलिए मैं सारे कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके अलावा देखें, ये एनुअल क्रिसेंथिमम है, इसके बीज अभी बन रहे हैं, ये देखें अभी ये कच्चे हैं, तो अभी हमने नहीं उतारना इनको। जैसे ही पक्के बीज की क्या निशानी होती है, ये कि जैसे ही आप उसको हाथ लगाएंगे ना, वो आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी ये जो हैं ये अभी बन रहे हैं, ये इनको अभी हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, ये बनते रहे अपना, फिर हम जब ये पक जाएंगे फिर हम इनको उतारेंगे। ये देखें यहाँ भी ये बीज जो हैं ये कितनी सारी हैं इस पौधे के ऊपर, ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखें जनाब, ये एनुअल क्रिसेंथिमम है और ये पौधा जो है ये बिल्कुल ये ख़राब कर दिया मैंने, निकी नहीं ये उतार दिया होगा। तो ये देखें इसके अंदर जो है इसके बीज बने हुए हैं, ये देखें हम बीज ये निकाल लेंगे इसके, ये देखें कितने सारे बीज हमें एक फ्लावर से मिले हैं, ये देखें देखा, ये इसके बीज हैं एनुअल क्रिसेंथिमम के। इसकी जो छोटी छोटी ये पत्तियाँ हैं ना येलो येलो सी, ये आपने अगर इसके अंदर होती भी हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं, इससे पता क्या होगा, इससे आपको ना जब आप अगले साल लगाएंगे तो कलर्स का पता लग जाएगा कि ये कौन से कलर का फ्लावर था। तो ये इसको कोई नहीं इसका मसला, आप इसके अंदर ही सेव कर लें इसको। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें स्पेंट फ्लावर मैंने इधर फेंके हुए थे, लेकिन जब मैंने अब इनको देखा है तो ये जो है ना इसके अंदर भी, ये देखें कितने सारे बीज हैं जो वो बने हुए हैं, ये देखें कितना बड़ा सा फ्लावर था ये, और इसके जो बीज हैं ये देखें कितने सारे हैं, ये देखें देखा कमाल, बस यही है कुदरत का कमाल, देखें कितने सारे बीज हैं। और ये सब जो है ना अब मैंने इसके अंदर फेंके हुए हैं ना, अगले साल जो है ना यहाँ से ही काफ़ी सारे जो है वो प्लांट्स मुझे मिल जाएंगे। ये कॉम्पोस्ट भी बन रही है और एक किस्म की मेरा बस ये बन रहा है इधर पौधों का खाना, बस मैं इसको इधर ही फेंक दूँगी और अगले साल आप देखिएगा इस डब्बे के अंदर मुझे ढेर सारे बग़ैर किसी मेहनत के जो है वो प्लांट्स मिल जाएंगे। ये देखें हवा चल रही है और ये पत्तियाँ जो है ना इसकी खुद ब खुद उतर के गिर रही हैं, ये देखें इस गुलाब की। तो ये देखें हम इनको सेव कर लेंगे, ये जो मैंने बायो एंजाइम बनाया था ना ये उसके लिए मैं सेव कर लूँगी और उसको इसको मैं डाल दूँगी उसी बोतल में जिसमें मैंने इसका गुलाब का बायो एंजाइम बनाया है। ये देखें हवा से उड़ रही है। इसके अलावा ये है हमारा होली होक, ज़िब्रिना होली होक, इसके ऊपर भी ये बीज तैयार हो रहे हैं, ये देखें यहाँ पर ये भी पिछले साल यही गमला था इसका और यहीं से ही बीज जो है वो निकल कर इसकी ये सीडलिंग्स तैयार हो गई थी खुद ब खुद। तो अब की दफ़ा भी मैं इसी के अंदर ये फेंक दूंगी इसके बीज, ये देखें कैसे होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक से बीज होते हैं इसके, ये देखें इस तरह से, बस इसको भी मैं इसी के अंदर जो है वो गमले में फेंक दूँगी, अगले साल फिर से यहाँ से ये उगेगा तो बग़ैर किसी मेहनत के। ये देखें ये सारे बीज यहाँ पर तैयार हो रहे हैं इसके, ये देखें, ठीक है जी। तो चलें ये थी आज की वीडियो, जितने भी बीज इकट्ठे होते जाएंगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और आप मेरी वीडियो देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आती है तो। तो चलें अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।